झांसी की लड़ाई में हराया अंग्रेजों ने, उस वक्त से ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई, हम लोग गुलाम होते चले गए। इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे काफ़ी वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी, उनके लिए आज आप लोग श्रद्धांजलि दें और उनका नमन करें। दूसरी बात छात्रों के से संबंधित है, जो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं बिहार स्टेट टेक्निकल बोर्ड का सीनियर मेंबर हूँ। 12 तारीख की बोर्ड की बैठक हुई, बोर्ड के बैठक में ये एजेंडा में निर्णय के लिए हम लोग के सामने लाया गया। इसमें हमारे प्रधान सचिव थे, निदेशक थे, माननीय मंत्री महोदय थे, स्टेट बोर्ड सेक्रेटरी थे, हम लोग थे। उसमें ये निर्णय हुआ कि प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और पांचवें सेमेस्टर के छात्रों का जो इम्तहान नहीं होगा, बल्कि उनको कॉलेज का नंबर जो 30 नंबर मिलता है उसके असेसमेंट के आधार पर उनका रिजल्ट किया जाएगा। चुप हो जाओ। दूसरी बात ये हुई कि यूजीसी के जो सर्कुलर है उसके हिसाब से इम्तहान ये सब करना है, लेकिन 5179 से बिहार में यूजीसी खत्म हो गया और AICT लागू हुई। AICT के हिसाब से इम्तहान लेने या नहीं लेने का अधिकार AICT को है, वो डायरेक्शन देगा। लेकिन छठा सेमेस्टर और जो लड़के को बैकलॉग है, फेल हैं, उनका इम्तहान कॉलेज में ऑफलाइन होगा, छठा सेमेस्टर और फेलियर का। अभी तक ये बात है, हाथ ताली मत बजाओ। प्राइवेट स्कूल में होता है कि लड़कों को 30 में 30 नंबर दिया जाता है, 20 नंबर टर्म वर्क होता है, 10 नंबर टीचर का असेसमेंट होता है। सरकारी कॉलेज में 25, 26, 27 तक जाता है। तो उन लोगों का जो रिजल्ट होगा वो 100% होगा जो डायरेक्ट बैकडोर से आते हैं, और आप लोग कंपटीशन से आते हैं तो आपका कम होगा। इसलिए हुआ कि नहीं, AICT का अनुमोदन ले लिया जाए, तब ये काम निर्णय होगा। दूसरी बात, जो लड़का 6 बार फेल कर चुका है, NFT लगा हुआ है, उसको एक चांस और दिया है, यही निर्णय हुआ है। और कल फिर बोर्ड की बैठक है, उसमें एजेंडा में जा रहा है कि आपके कॉलेज में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। बोर्ड की नहीं है, मंत्री के साथ बैठक है। उसमें है कि जो गेस्ट फैकल्टी है, निदेशक हैं या प्रोफेसर हैं, उनको वेतनमान बढ़ाने का प्रस्ताव कॉलेज के थ्रू जा रहा है। ये लोग कॉलेज पर दबाव दे रहे हैं कि हमको कम मिलता है। अनुदेशक को 13,000 मिलता है, प्रयोगशाला सहायक को 14,000 मिलता है, जबकि कंट्रैक्ट वालों का 45,000 हो गया, और जो लेक्चरर हैं संविदा पर उनको 65,000 रुपया हो गया। ये बहुत विसंगति है। इसको कल जो मीटिंग होगा मंत्री जी के साथ, समीक्षात्मक बैठक उठाया जाएगा। ये कॉलेज के तरफ से सारी बातें जा रही हैं, आप में क्या सुविधा है, क्या कमी है, क्या नहीं है। बहुत सा काम हम लोग कॉलेज के थ्रू कर रहे हैं, कॉलेज के पास धन सीमित है, लेकिन उसी से हम लोग आप लोगों की समस्याओं को, छात्रों का निदान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करने के लिए हमको सरकार से रुपया लेना पड़ेगा। अब आप लोग जश्न मनाइए, मिठाई खाइए, हम लोग भी थोड़ा खाएँ।